नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आप सभी का वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। ये सेकंड प्रोसेस हो रखा है केसिंग बनाने का। पहले प्रोसेस में हमने जो कोकोपीट ब्लॉक भिगोए थे वो फूल गए थे पानी डाल के। अब इसके अंदर हम चूना और ऊपर से जिप्सम डालने लग रहे हैं। ठीक है, पहले उसको फैला लिया, ऊपर से चूना और जिप्सम डाल दिया। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये हम जो चूना और जिप्सम डाला उसकी एक बार पलटाई करने लग रहे हैं। और इसके अंदर हम 15 किलो चूना और 30 किलो के आसपास जिप्सम डालते हैं। जिप्सम और चूने का काम ये होता है कि जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल रहे, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम चूना और जिप्सम यूज़ करते हैं इसके अंदर। इस तरीके से दो बार पलटाई करनी पड़ती है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसकी पलटाई होने लगी है। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो दवाई यूज करते हैं वो डाल रहे हैं। 200 लीटर का पानी का ड्रम लिया हुआ है। इसके अंदर डगस्टीन, M45, मेलेथियन, ओमाइट, ये 3-4 दवाई होती है। ये और साथ में इसके फॉर्मोलिन, ये सब इस ड्रम के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, मोटर से डंडा लेके उसके ड्रम के अंदर। इस दूसरे साइड हमारी केसिंग मोस्टली कंप्लीट है, मतलब कि जब हम दबाते हैं तो पानी हल्का सा निकलना चाहिए। तो 200 लीटर जो पानी लिया इसमें, उसमें सिर्फ हम दवाई मिला रहे हैं और दवाई को स्प्रे करेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हमें करना होता है कि दो जने ये पलटाई लगाते रहे, ऊपर से एक जना इसके ऊपर पानी से स्प्रे करता रहे। इससे होगा क्या कि एक एक दाने के ऊपर पूरी दवाई लग जाती है और दवाई भी अच्छे से इसको मतलब बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब कुछ मार देती है। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इस, अब हम क्या करेंगे, जो केसिंग है इसको ढक के रख देंगे कम से कम 24 से 36 घंटे के लिए, और फिर अगले प्रोसेस के अंदर हम रूम के अंदर केसिंग करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।